स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। कनाडा और भारत की सरकारों के बीच बड़ी तल्खी के बाद पंजाब से कनाडा स्टडी वीजा पर जाने वाले स्टूडेंट्स के अभिभावक परेशान होने लगे हैं। क्यों, आखिरकार क्यों ऐसा क्या हुआ? आपको बता दें, दोनों देशों के बीच शुरू इस विवाद का असर व्यापार ही नहीं बल्कि कनाडा में बड़ी संख्या में खासकर पंजाबियों पर पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अब डर सताने लगा है कि कहीं आने वाले दिनों में कनाडा एंट्री बैन ना कर दे। कनाडा में इस समय पंजाब के करीब 2 लाख स्टूडेंट पढ़ाई के लिए स्टडी वीजा पर गए हैं। ध्यान रहे कि पंजाब से हर साल सैकड़ों की संख्या में युवा कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं। स्टूडेंट पर करीब 25 लाख रुपए फीस का साफ तौर पर खर्च होता है। हालांकि अगर दोनों साफ तौर पर में देशों में तनाव बढ़ता रहा तो कनाडा अपने देश में आने के नियम सख्त कर सकता है। इसमें उनका वीजा कैंसिल कर डिपोर्ट करना भी शामिल है। पंजाब के लोग कनाडा में नौकरी करते हैं, साथ ही बिजनेस कम्युनिटी में भी दबाव साफ तौर पर दबदबा रखते हैं। इधर एग्रीकल्चर से लेकर डेयरी फार्मिंग भी पंजाबियों की ओर से की जाती है। ध्यान रहे कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निजार की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने का आरोप लगाए गए हैं। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भारत और कनाडा के बीच विवाद बीती 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में भाग लेने पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने कनाडा में बढ़ रही खालिस्तानी गतिविधियों का मामला उठाया, जिस पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भारत कनाडा के घरेलू मामलों में दखल ना दे। ट्रूडो ने निजार को साफ तौर पर कनाडा का नागरिक बताते हुए उसकी हत्या का मामला भी उठाया और कहा कि उसकी हत्या करवाई गई है। जिस हरदीप सिंह निजार को कनाडा सरकार अपना नागरिक बता रही है वह 10 लाख का इनामी आतंकी था। 1992 में वह पंजाब से भागा था और वह खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। यहां तक कि KTF ने पूर्व मुख्यमंत्री बेनांत सिंह की हत्या की थी। निजार पर आरोप था कि वह सीमा पार से हथियारों की अवैध तस्करी, नशे के कारोबार के अलावा टारगेट की किलिंग में शामिल है। निजार को 2020 में आतंकियों की सूची में शामिल किया गया था। ऐसे में कनाडा भारत विवाद में क्या साफ तौर पर इसका असर भारत की तमाम व्यापारिक और साफ तौर पर स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा? इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहे इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।